मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। देश के कई हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश से त्रस्त कई जगहों से भूस्खलन की भी खबरें सामने आने लगी हैं। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, तेलंगाना में बारिश ने कहर जारी कर रखा है। महाराष्ट्र के मुंबई, रत्नागिरी, कोल्हापुर, रायगढ़, अमरावती, सतारा, सिंधुदुर्ग और थाने में बारिश भारी कहर मचा रही है। गुजरात में भी बारिश से हाहाकार। आपको बता दें, गुजरात के कई इलाकों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। स्थिति को देखते हुए कॉलेज और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी के चलते अलर्ट जारी किया है। नदियां उफान पर है। ओजल, साबली, हिरण सभी बांध अपनी कैपेसिटी से 90% से 100% फुल हो चुके हैं। निचले इलाकों में पड़ने वाले 20 गांवों को अलर्ट किया गया है और लोगों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। बारिश की तीव्रता में आएगी कमी। मौसम विभाग ने ट्वीट करके बताया कि कोंकण, गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में 15 जुलाई को बारिश में कमी आएगी। इसके अलावा 17 जुलाई सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश की तीव्रता कम होगी। ओडिशा में अगले 5 दिन बारिश के आसार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आगामी 5 दिनों तक ओडिशा के विभिन्न जिलों में वज्रपात के साथ बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के 21 जिलों में चेतावनी जारी की है। इसमें दक्षिण ओडिशा के 9 जिलों को ऑरेंज अलर्ट दिया है। अगले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में व्यापक और भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। IMD ने गुरुवार को इसकी चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि जुलाई में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ये क्षेत्र पहले से ही स्थानीय बाढ़ का सामना कर रहे हैं। IMD के मुताबिक एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण तटीय ओडिशा और संबंधित चक्रवात के साथ पड़ोस में बना हुआ है। परिसंचरण ऊपरी शोभ मंडल स्तर तक फैला हुआ है। मॉनसून ट्रफ सक्रिय है और अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में है। उत्तर प्रायद्वीपीय भारत में एक और पश्चिम अपरूपण क्षेत्र चल रहा है। इन प्रणालियों के प्रभाव से मध्यम से लेकर भारी बारिश के होने की प्रबल संभावना है। छिटपुट बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। पूर्वानुमान के मुताबिक 14 जुलाई को तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में 17 और 18 तारीख को, 14 और 17 तारीख को विदर्भ में, 16, 17 और 18 तारीख को छत्तीसगढ़, 14 और 16 के अलावा 18 को ओडिशा के बारिश की संभावना जारी की गई है। मौसम विभाग ने 15 तारीख को कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और 16 जुलाई को गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर में छिटपुट बारिश की चेतावनी। अगले 5 दिनों के दौरान लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 तारीख को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में, 14 और 16, 17 को उत्तराखंड में भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा 14 और 15 जुलाई को राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज पूर्व राजस्थान में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ट्वीट के मुताबिक 14 जुलाई को पश्चिम मध्य प्रदेश और तेलंगाना में बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं 15 और 17 जुलाई को भी पूर्वी मध्य प्रदेश, 14 और 17 जुलाई को विदर्भ, 16 और 17 को छत्तीसगढ़, 15 और 16 जुलाई के दौरान ओडिशा, 15 जुलाई को कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। देश में मॉनसून की एंट्री के बाद से कई राज्यों के लिए बारिश आफत बन के सामने आई है। देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। मुंबई और गुजरात के शहरी इलाकों में पानी भर गया है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें।